हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन द मिशन डेवलपमेंट अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं लेई सोनी डिजिटल मार्केटर। आज हम आ गए व्हाट्सएप बिजनेस मार्केटिंग कोर्स के कंप्लीट सीरीज में। हमारा लेसन 12, हाउ टू क्रिएट बेसिस इन न्यू वे यूजिंग दी व्हाट्स ऑटो टूल इन व्हाट्सएप बिजनेस, यानी कि व्हाट्सएप बिजनेस में व्हाट्सएप ऑटो टूल का उपयोग नए तरीके से मैसेज बनाने में कैसे करें, आज इसी के बारे में कंप्लीट डिटेल में जानेंगे। फर्स्टली हम बात करते हैं कुछ की पॉइंट से, जैसे कि आज हम जानने वाले हैं कि किस तरह से व्हाट्सएप बिजनेस में हम कम्प्लीटली एक टूल्स की हेल्प ले सकते हैं, जिसके थ्रू हमें कम्प्लीटली एक रिप्लाई मैसेज बनाना हो या फिर हमें एक सही तरीके से एक बढ़िया तरीके से अपने प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में लोगों को एक मैसेजिंग के थ्रू यहाँ पे लोगों को कन्वेंस करना हो, तो किस तरह से हम एक टूल्स की हेल्प ले सकते हैं जिसका नाम है व्हाट्स ऑटो। तो चलिए इसी के बारे में समझते हैं और कम्प्लीटली जानते हैं कि आखिर में टूल्स कैसे काम करता है और कम्प्लीटली क्या क्या चीजें जो हमें प्रोवाइड करवाता है, इसके बारे में हम जानेंगे और कम्प्लीटली जानेंगे कि व्हाट्स ऑटो जो है कम्प्लीटली हमें किस तरह की सर्विसेज दे रहा है जो हमारे ऑडियंस के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, और साथ ही साथ किस तरह से हम चीजें चेंजेस कर सकते हैं, किस तरह से हम कस्टम रिप्लाईज का या मैसेजिंग का यूज कर सकते हैं जिससे कि हम ज्यादा ज्यादा यूजर्स को एक कम यानी कम टाइम पे हम ज्यादा ज्यादा यूजर्स से कम्प्लीटली अब कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए वॉइस टू व्हाट्सएप में और कम्प्लीटली हम समझेंगे व्हाट्स ऑटो टूल्स के बारे में कि आखिर में टूल्स किस तरह से हमारी हेल्प कर सकता है। तो समझते हैं प्रैक्टिकल तरीके से, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। हेलो फ्रेंड, जैसे कि हम आ गए मोबाइल स्क्रीन पर, जैसे कि आपको पता है कि आज का हमारा टॉपिक है किस तरह से हम व्हाट्स ऑटो टूल्स की हेल्प ले सकते हैं जो ऑलरेडी मेरे पास और इंस्टॉल है। तो चलिए मैं आपको कम्प्लीटली पहले व्हाट्सएप बिजनेस में हम यहाँ पे बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर में व्हाट्सएप बिजनेस किस तरह से काम करता है। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हमें किसी भी मैसेज सेंड करना होता है या फिर रिप्लाई बनाना होता है तो हमें यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखनी होती है, देन इसके बाद कम्प्लीटली हमारे ऑडियंस तक हम यहाँ पे पहुंच पाते हैं। तो यहाँ पे कम्प्लीटली अगर चैटिंग हमें करनी होती है नए ऑडियंस के साथ में, तो हमें 1-to-1 चैटिंग यहाँ पे करनी होती है, और देन इसी के बाद कोई नया यूजर्स आता है तो उससे भी हमें बात करनी होती है। तो किस तरह से हम नए यूजर्स को कन्वेंस कर सकते हैं और पुराने यूजर्स को भी कम्प्लीटली कन्वर्सेशन कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे और यहाँ पे समझेंगे किस तरह से वॉइस ऑटो टूल्स जो है हमारी हेल्प कर सकता है। तो जिस तरह से हम यहाँ पे बहुत से मैसेजिंग लिखते हैं और फिर हमें एक एक करके मैसेज सेंड करना होता है, इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस आती है। तो चलिए हम यहाँ पे व्हाट्स ऑटो के बारे में समझते हैं जो ऑलरेडी व्हाट्स ऑटो हमारे अकाउंट में लॉगिन है। तो चलिए पहले हम यहाँ पे इंस्टॉल करने की सोचते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे व्हाट्स ऑटो। हमने वर्ड्स ऑटो रिप्लाई ऐप लिखा है और जिस तरह से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी हमने इंस्टॉल कर चुके हैं, यहाँ पे ओपन का ऑप्शन भी आ रहा है। तो इंस्टॉल करने की पूरी प्रोसेस बहुत ही सिंपल होती है, यहाँ पे कुछ आपसे परमिशन मांगी जाती है, देन आपको परमिशन कम्प्लीटली यहाँ पे फुलफिल करनी होती है, परमिशन अलाउ करनी होती है, इसके बाद आप इजिली तरीके से सिंपल वे में ऑटो रिप्लाई का यूज कर सकते हैं। तो वर्ड्स ऑटो जो है कम्प्लीटली पूरी सर्विसेस हमें प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि किस तरह से हम रिप्लाई ऑन कर सकते हैं जो ऑलरेडी हमारे व्हाट्सएप बिजनेस में रहता ही है, देन इसी के साथ हमें और सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है जिसके थ्रू हम कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं और यहाँ पे कम्प्लीटली चैटबॉट का ऑप्शन यहाँ पे लगा सकते हैं, जिसके अगर अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सी मल्टी यूजर्स कंपनियां हैं जो बहुत से ऑडियंस के साथ या फिर आपके साथ भी कन्वर्सेशन करती हैं, तो वो कम्प्लीटली चैटबॉट की हेल्प लेती है, जो ना कि कम्प्लीटली एक पर्सन वहां पे बैठा होता है जो आपको बताता है, वहां पे एक चैटबॉट लगा होता है जो जो आप इन्फॉर्मेशन बोलते जाते हैं चैटबॉट उस तरीके से कस्टम रिप्लाई आपको देता रहता है। तो इस तरह से हम कस्टम रिप्लाई कैसे क्रिएट कर सकते हैं ये भी हम जानेंगे कम्प्लीटली, देने से के बाद हम ये भी जानेंगे किस तरह से आप ऑनलाइन स्प्रेडशीट को ऑनलाइन तरीके से मैसेजिंग कर सकते हैं, तो चैटबॉट में यहाँ पे चीजें डाल सकते हैं, और देन इसके साथ हम किस तरह से अपने फ्रेंड को या फिर अपने कस्टमर्स को ग्रीट कर सकते हैं वो भी वेलकम मैसेज से। और खास चीज जो आपको हमेशा जानना है किस तरह से हम बैकअप स्टोर कर सकते हैं, और साथ ही साथ बहुत सी चीजें हमें यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड होती है व्हाट्स ऑटो के थ्रू। तो ये कम्प्लीटली एक टूल्स है जिसके आप हेल्प ले सकते हो, अगर आपको टूल्स अच्छे लगे तो आप जरूर इसकी हेल्प लीजिएगा। देन इसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो अपने सर्वर को, और इजिली तरीके से जैसे आप सर्वर को कनेक्ट करोगे तो ये ऑटो रिप्लाई देने लगेगा, और यहाँ पे आपको ऑल चैट फीचर्स हमें यहाँ पे मिल जाते हैं एक ही ऐप में, हमें वेलकम मैसेज से लेके मेनू रिप्लाई हो चाहे वो कस्टम रिप्लाई क्यों ना हो, ये पूरी प्रोसेस हमें यहाँ पे मिल जाती है। और सबसे खास बात मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट्स ऑटो जो ऐप है वो इजिली तरीके से हम ओपन कर सकते हैं और कम्प्लीटली इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं पहुंच गया हूँ व्हाट्स ऑटो पे और आप देख पा रहे हो कि हमने ऑलरेडी हमारी यहाँ पे आईडी बनी हुई है देने के साथ, अगर आपने साइन इन नहीं करा तो आप साइन इन भी कर सकते हो, या फिर आप साइन इन करने से पहले चेक कीजिए कि ऐप किस तरह से काम करता है। तो चलिए इसी ऐप के बारे में कम्प्लीटली ओवरऑल रिव्यू जानेंगे और यहाँ पे समझेंगे कि किस तरह से हमारे व्हाट्सएप बिजनेस के लिए नए ऑडियंस को लाने के लिए या नए कस्टमर को जोड़ने के लिए क्या क्या हमारे लिए हेल्प कर सकता है। इसी के साथ मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि आप इजिली तरीके से यहाँ पर
साइन करने से पहले हम जान सकते हैं इसकी खूबियों के बारे में, जैसे कि अभी सपोर्टेड एप्स करता है, कौन कौन से मैसेजिंग टूल्स को सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप देख पाओगे यहाँ पे व्हाट्सएप, व्हाट्सएप बिजनेस, टेलीग्राम, मैसेंजर, मैसेंजर लाइट, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, सिग्नल, चाहे वो फिर मेटा बिजनेस की स्वीट ही क्यों ना, हेलो एप, वाइबर, ये सभी को सपोर्टेड करता है। यानी कि आप कंप्लीटली यहाँ पे भी अपने स्पोर्ट्स ऑटो की हेल्प से इजीली तरीके से कंटेंट बना के और यहाँ पे आप बहुत से ऑडियंस को कनेक्ट कर सकते हो, कन्वर्सेशन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो ये सपोर्टेड हेल्प एप्स होते हैं जिनकी हेल्प आप ले सकते हो। देन फर्स्ट ऑप्शन होता है यहाँ पे साइन इन करना, तो आप इजीली तरीके से अकाउंट को चूज करके साइन इन कर सकते हैं। देन इसी से पहले हम जानते हैं कस्टम रिप्लाई हमें यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, फिर हम कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक प्रोफाइल को। देन मेन्यू रिप्लाई हमें यहाँ पे दी जाती है, स्प्रेडशीट, वेलकम मैसेज, सर्वर, टेस्ट रिप्लाई, डायलॉग फ्लो और नोट्स। तो चलिए इनके बारे में कम्प्लीटली हम डिटेलिंग में जानेंगे। देन इसी साथ फर्स्टली हम चलते हैं होम पे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑटो रिप्लाई ऑफ, अगर आप लोग इंस्टॉल करते हैं और ऑटो रिप्लाई ऑन होता है तो जरूर आप इसे ऑफ कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसेस होने वाली है इट्स लॉन्ग होने वाली है और कम्प्लीटली यहाँ पे आपको इसे तुरंत रिजल्ट यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। तो जैसे कि अगर आप ऑटो रिप्ले करते हो, किसी को भी ऑटो रिप्ले करना है, आप किसी सर्विसेज को देना चाहते हो, एग्जाम्पल के लिए आप अपने व्हाट्सएप बिजनेस में एक नया ऑफर लेके आए हो, एज ए फेस्टिवल ऑफर लेके आए हो, यहाँ पे आप नए ऑडियंस को कहना चाहते हो कि ये बहुत ही बढ़िया ऑफर है जो आपके लिए है, बहुत ही कम कोर्सेज में हम आपको कम टाइम में हम कोर्सेज को सेल करना चाह रहे हैं, देन इसी के साथ ऑफरिंग सेल कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो आप इजिली तरीके से ऑटो रिप्ले कर सकते हो। यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना होता है, यहाँ पे ऑटो रिप्ले लिखना होता है। तो चलिए हम यहाँ पे अपना ऑटो रिप्ले टेक्स्ट भी लिख लेते हैं और इजीली तरीके से यहाँ पे ज्यादा ऑडियंस तक कंप्लीटली कनेक्ट हो पाते हैं। तो मैं यहाँ पे एडिट करता हूँ, यहाँ पे मैं इजीली तरीके से लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ न्यू फेस्टिवल ऑफर्स। ये जो मैं आपको डेमो के लिए बता रहा हूँ, कम्प्लीटली ये चीजें जो है आप प्रैक्टिकली करोगे तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ न्यू फेस्टिवल ऑफर्स, हो रहे आप, देन इसी के बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पे मैं इजीली तरीके से अपनी साइट की लिंक्स भी लगा सकता हूं। तो इस तरह से आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पे लिख दिया न्यू फेस्टिवल ऑफर्स, हो रहे आप, चेक इट माई साइट tmd.teachmore.com। इस तरह से मैंने यहाँ पे सेव कर देता हूँ। देन इसके बाद आप देख पाओगे कि मेरा यहाँ पे ऑटो रिप्ले टेक्स्ट यहाँ पे लिखा चुका हो। ये ऑटो रिप्ले कैसे काम करेगा, इसके पहले हमें ऑन करने से पहले मैं आपको एक और ऑप्शन पे जाना होगा, वो है मेन्यू, और देन इसके बाद आपको सपोर्टेड एप्स पे जाना होगा कि आप कौन से ऐप को सपोर्ट करना चाहते हो, कौन से ऐप पर आप यहाँ पे कम्प्लीटली रिप्ले मेन्यू देना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे व्हाट्सएप बिजनेस को ऑन कर देता हूँ, क्योंकि एक्चुअल में मैं यहाँ पे कम्प्लीटली अपने व्हाट्सएप बिजनेस के बारे में ज्यादा ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचना चाहता हूँ और यहाँ पे ज्यादा ऑडियंस को कनेक्ट करना चाहता हूँ। तो इजीली तरीके से मैं यहाँ पे व्हाट्सएप बिजनेस ऑन करता हूँ। देन इसी के साथ मैं ऑटो रिप्ले भी कर सकता हूँ। इसी के बाद मैं आपको कम्प्लीटली बता देता हूँ कि आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि कॉन्टेक्ट कितने लोगों से है। जब परमिशन मांगी जाती है व्हाट्सएप ऑटो के थ्रू, तो आप जो भी परमिशन देते हो वो कॉन्टेक्ट हो, चाहे मीडिया हो, चाहे वो आप किस प्रकार की कॉन्टेक्ट या लोकेशन की सर्विसेज दे लो, परमिशन दे रहे हो, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप रिप्ले मैसेज या किसी प्रकार के मैसेज, कस्टम मैसेज हो, चाहे वो किसी भी तरह के मैसेज हो, आपको पहले ऑफ करना है। देन इसके बाद कॉन्टेक्ट आपको यहाँ पे चूज करना है कि किस कॉन्टेक्ट को आप ऑटो रिप्ले मैसेज करना चाहते हो। जैसे कि ऊपर लिखा है ऑटो रिप्ले टू एवरीवन, को ऑटो रिप्ले करना चाहते हो, जो आपके जितने भी कस्टमर्स हैं उन सभी को, एवरीवन, हर एक पर्सन को यहाँ पे ऑटो रिप्ले हो जाएगा। देन माई कॉन्टेक्ट लिस्ट, यहाँ पे मेरी कॉन्टेक्ट लिस्ट बनी उन्हीं लोगों को करना चाहता हूँ, या एक्सपेक्ट माई कॉन्टेक्ट लिस्ट, मैं जिन लोगों को जानना चाहता हूँ या जिन लोगों को मैंने कॉन्टेक्ट लिस्ट में जोड़ा है उन्हीं लोगों को, या फोन कॉन्टेक्ट को। तो मैं इजिली तरीके से यहाँ पे कंप्लीटली कर सकता हूँ माई कॉन्टेक्ट लिस्ट को, या फिर मैं एड भी कर सकता हूँ। तो इजिली तरीके से यहाँ पे परमिशन मांगी जाती है, जो हमें परमिशन अलाउ करनी होती है। देन इसी के बाद ही हम यहाँ पे कंप्लीटली पूरी तरीके से वर्क कर सकते हैं। तो चलिए मैंने अलाउ कर दिया और यहाँ पे हम चलते हैं बैक और वापिस समझते हैं चीज को कि किस तरह से यहाँ पे पूरी प्रोसेस होगी। तो मैं अपने माय कॉन्टेक्ट लिस्ट में यहाँ पे क्लिक करूंगा तो जो भी मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट के उन सभी को ऑटो रिप्ले मैसेज हो जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब एक्सेप्ट माई कॉन्टेक्ट लिस्ट में जिन लोगों को जानना चाहता हूँ, सिमनी लोगों को, या फिर मैं इजिली तरीके से क्रिएट भी कर सकता हूँ कॉन्टेक्ट लिस्ट। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, इस तरह से हम कॉन्टेक्ट लिस्ट को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे एक ही नंबर कॉन्टेक्ट करता हूँ और इजिली तरीके से मैं अपना ही नंबर यहाँ पे कम्प्लीटली कनेक्ट करना चाहता हूँ। और इजिली तरीके से मैं चाहता हूँ कि ऑटो रिप्ले सिर्फ उसी पे हो जिसपे मैंने सिर्फ कम्प्लीटली अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट बना रखी है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे मैंने अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट बना ली है। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा माय कॉन्टेक्ट लिस्ट, जितनी मैंने कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाई है सिर्फ उन्हीं को ही ऑटो रिप्ले मैसेज होगा। तो इजीली तरीके से आप देख पा रहे हो, यहाँ पे हम कम्प्लीटली डेमो भी देखेंगे।
तो इस तरह से आप देखोगे कि इनेबल ग्रुप भी लिखा, आप चाहते हैं ग्रुप्स में नहीं हो तो एबल भी कर सकते हैं, इनेबल भी कर सकते हो। इसी तरीके से हम इनेबल कर देते हैं, टिक लगा देते हैं कि ग्रुप में मैसेजिंग ना हो, सिर्फ ओनली पर्सनली किसी भी कस्टमर्स को मैसेज करना चाह रहे हो। यहाँ पे हम अपने ऑफर्स, अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में बताना चाह रहे हैं एज ए बिजनेस के हिसाब से, तो कम्प्लीटली हम यहाँ पे अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट एड कर सकते हैं या एवरीवन भी कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पे अपना कॉन्टेक्ट यहाँ पे कम्प्लीटली कर लिया है। अब लास्ट ऑप्शन आपको स्टेटिक्स दिख रहा होगा, यहाँ पे बताया जाएगा कि कितने लोगों को आपने ऑटो रिप्ले मैसेज सेंड करा था। तो ऑलरेडी मैंने ट्रायल के लिए यहाँ पे कम्प्लीटली करा था, तो आप देख पाओगे ऑटो रिप्ले इस तरह से चीजें शो करता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म के बारे में हमें यहाँ पे शो बताता है और कम्प्लीटली स्टेटिक्स हमें दिखा देता है। तो चलिए हम यहाँ पे वापस चलते हैं और ऑटो रिप्ले ऑन कर देते हैं। जैसे हम ऑटो रिप्ले ऑन करेंगे तो आप देखोगे कि कम्प्लीटली जिस भी हम यहाँ पे ऑटो रिप्ले कर रहे थे, यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऑटो रिप्ले वर्क नहीं कर रहा क्योंकि नोटिफिकेशन जो हमने डिसेबल कर रखा है, तो हमें नोटिफिकेशन को ऑन करना होगा, देन इसी के बाद यहाँ पे कम्प्लीटली काम करेगा। तो चलिए मैं नोटिफिकेशन ऑन कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने नोटिफिकेशन ऑफ कर दिया और आप देख पाओगे कि मैंने ऑटो रिप्ले भी ऑन हो चुका है और इसी के साथ मेरा मैसेज भी आई थिंक पहुंच गया है। तो चलिए मैं वापस जाता हूँ और इसे ऑफ कर देता हूँ, कम्प्लीटली देखता हूँ किस तरह से मेरा मैसेज यहाँ पे पहुंचा है नहीं पहुंचा है। तो हम यहाँ पे आ जा रहे हैं वापस व्हाट्सएप पे और यहाँ पे देखने वाले हैं कि किस तरह से हमने जब व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू यहाँ पे अपने प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में जाना है, सो हम व्हाट्सएप पे ओपन करके देखते हैं और यहाँ पे आया है हमारा ऑटो रिप्ले की न्यू फेस्टिवल ऑफर्स हो रहे हैं, आप चेक इट माई साइट। तो इजीली तरीके से जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ऑटो रिप्ले इस तरह से काम करता है और कम्प्लीटली हम वापस चलते हैं ऑटो रिप्ले टूल्स में और यहाँ पे कम्प्लीटली आप कर सकते हो। तो चलिए वापस हम चलते हैं मेन्यू पे, जैसे कि हम समझ सकें कि किस तरह से हम ऑटो रिप्ले को ऑन कर सकते हैं और यहाँ पे इजिली तरीके से अपने ऑफर्स या किसी भी नई सर्विसेज के बारे में इजिली तरीके से सभी ऑडियंस को या सभी कस्टमर्स को एक ही बार में यानी बल्क में हम बता सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कस्टम रिप्लाई कैसे काम करता है। तो कस्टम रिप्लाई जैसे कि आप देख पा रहे हो इनकमिंग मैसेज होता है, चाहे रिप्लाई मैसेज होता है, ये ऑफ ऑन है तो इसे थोड़ी देर के हम ऑफ कर लेते हैं और हम वापस चलते हैं कस्टम रिप्लाई पर। यहाँ पे आप देख पाओगे अगर कोई भी पर्सन है हमारे अकाउंट पर आता है या हमारे व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट पे आता है, वो हमें हेलो बोलता है, तो हम यहाँ पे वेलकम मैसेज या फिर हम कस्टम रिप्लाई मैसेज भी दे सकते हैं, हम हमारी सर्विसेज के बारे में बता सकते हैं। तो इजीली तरीके से आप वो देख पा रहे हो कि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे पूरी सर्विसेज कर रखी है, तो इनकमिंग कीवर्ड्स के लिए हेलो लगा हुआ है और देन इसी तरीके से यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के लिए बोला गया कि कोई पर्सन पूछता है आपसे हाई हाउ आर यू, तो आप एग्जाम्पल के लिए रिप्लाई मैसेज कर सकते हैं यस हाई आई एम गुड, यानी कि मैं अच्छा हूँ। तो इजीली तरीके से आप इनकमिंग कीवर्ड्स और रिप्लाई मैसेज दोनों का ही यूज कर सकते हो, जिसके थ्रू कस्टम रिप्लाई सेंड करने में आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये पूरी तरह से चैटबॉट का ही काम करता है। देन इसी के साथ आप देख पाओगे यहाँ पे आप टेक का यूज कर सकते हो, नेम, फर्स्ट नेम, कोई लास्ट नेम या डेट भी लगा रहा है तो आप इजीली तरीके से अगर कोई नेम भी बोलता है तो आप यहाँ पे नेम भी लगा सकते हो, जो भी पर्सन है उस नेम के साथ में आप टेक का यूज कर सकते हो, फर्स्ट नेम या लास्ट नेम के साथ में। तो चलिए मैंने यहाँ पे टेक लगा दिया नेम का। अब इसी के साथ यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, एक तो मेन्यू रिप्लाई आता है, एक सर्वर रिप्लाई आता है, ये आप चाहे तो इन दोनों में ही चूज कर सकते हो। देन इसी के साथ ही कुछ प्रोसेस होती है और जो रिप्लाई अलर्ट है वो सेंड ईमेल के थ्रू भी अगर आप करना चाहें तो यहाँ पे आपकी सर्विस लेनी पड़ती है जो एक अपग्रेड प्रीमियम होता है। तो चलिए ऐसे हम फ्रीली यूज करके देख रहा हूँ, कस्टमर को कम्प्लीटली देखना चाह रहा है कि किस तरह की फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड होती है, तो एक कस्टम रिप्लाई हमने यहाँ पे ऑन कर दिया है। और इसी के तरीके से आप देख पा रहे हैं हमने कोई अगर पर्सन हमसे हेलो बोलता है तो सामने वाले का नाम के साथ यहाँ पे हमारा मैसेज पहुंच जाएगा। तो इसी तरीके से हम चलिए इसे ऑन कर देते हैं और यहाँ पे आप कम्प्लीटली प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हो। तो चलिए इन सभी के बारे में स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली करके देख लेंगे, इन सभी के बारे में हम समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको सपोर्टेड ऐप के बारे में बताई दिया कि आप जो भी सपोर्टेड ऐप्स को सपोर्ट करना चाहते हो, मैसेजिंग करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे इजीली तरीके से ऑन ऑफ कर सकते हो। इसी के साथ मेन्यू रिप्लाई पर चलते हो, मेन्यू रिप्लाई कैसे काम करता है ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। इससे पहले हम जान लेते हैं मेन्यू रिप्लाई किस बेस पे, ये पूरी तरीके से एक चैटबॉट है, ये क्रिएट करता है लिस्ट को, मेन्यू बनाता है और यहाँ पे एक ऑटो रिप्लाई इजीली तरीके से सेंड कर देता है। तो अक्सर आपने देखा होगा व्हाट्सएप बिजनेस में कि बहुत से लोग जब ये आपको अपने प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में बताते हैं तो इस तरह का एक मेन्यू बना देते हैं, तो जो भी मेन्यू वन या टू पे क्लिक करता है तो उस पर वन पे क्लिक आता है। तो ये मेन्यू हमने यहाँ पे बनाया हुआ है ऑलरेडी, आप देख पा रहे हो फॉर्मेट को, तो हमने वेलकम टू मुद्दा मिशन डेवलपमेंट सर्विसेज लिख भी दी है डेमो के हिसाब से और कम्प्लीटली हमारे कोर्सेज या हमारे सर्विसेज के बारे में हमने यहाँ पे बता दिया। ये 5 लिस्ट से ज्यादा यहाँ पे चीजें नहीं बनती, अगर आप 6 लिस्ट बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे प्रीमियम वर्जन लेना होता है। तो चलिए एज ए 5 भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है। देन इसी के साथ आप देख, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि हर एक ऑप्शन में आपको बैकअप, रिस्टोर
और सेटिंग और वॉच वीडियो का ऑप्शन भी मिलेगा। वॉच वीडियो इसलिए मिलेगी, अगर आपको मेन्यू रिप्ले के बारे में नहीं आता है तो आप वॉच वीडियो यानी कि इनके यूट्यूब चैनल पे जाके इजीली तरीके से देख सकते हो। देन से आप बैकअप ले सकते हो, आपने जो भी मेन्यू रिप्लाई बनाए हुए या जो भी कंटेंट बनाया है आप उसका बैकअप ले सकते हो, देन से आप रिस्टोर भी कर सकते हो और सेटिंग में भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो ये सभी सेटिंग्स का आप कंप्लीटली यूज कर सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे कि हमने कस्टम रिप्ले की बात कर ली, मेन्यू रिप्ले की बात कर ली, यहाँ पे आता है एक वेलकम मैसेज। अब कोई भी नए पर्सन को आप वेलकम मैसेज करना चाहते हो, कोई भी आपके नए व्हाट्सएप चैटिंग पर आता है, फर्स्ट टाइम आता है, तो आप उसे वेलकम मैसेज सेंड कर सकते हो। और साथ ही अगर कोई तीन दिन बाद भी आपको मैसेज करता है तो आप उसे वेलकम मैसेज भी ऑन कर सकते हो। तो इजीली तरीके से वेलकम मैसेज में आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो, लिख सकते हो वेलकम, थैंक यू फॉर कॉन्टेक्ट मी, आई विल गेट यू बैक लेटर शॉर्टली, तो मैं कंप्लीटली आपसे मिलूंगा और आपसे जरूर कॉन्टेक्ट करूंगा। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे वेलकम मैसेज का भी यूज कर सकते हैं। टेस्ट रिप्लाई होता है जो भी आप टेस्टिंग कर सकते हो, इजीली तरीके से व्हाट्स ऑटो की हेल्प से टेस्टिंग कर सकते हो। देन इसी के साथ ही यहाँ पे नोट्स आप इजीली तरीके से क्रिएट कर सकते हो न्यू ग्रीन बटन के साथ में, और एक कम्प्लीटली बढ़िया नोट्स बना सकते हो, सर्विसेज दे सकते हो जिसके थ्रू आप कम्प्लीटली अपने व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू एक नए नए कस्टमर्स को एड कर सकते हो। तो ये यहाँ पे नोट्स बनाना, यहाँ पे कस्टमर को एंगेज करना बहुत बढ़िया तरीके से रिलेवेंट वे में काम करता है। इसी तरीके से डायलॉग फ्लो यानी कि कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ये भी पूरी तरह से प्रीमियम वर्जन होता है, आप चाहे तो इसे छोड़ भी सकते हैं क्योंकि ये सभी चीजें हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती है। एक सर्वर होता है कॉन्फिगर करता है कि किस तरह से आप यहाँ पे एक रिप्ले मैसेज कर सकते हैं जो भी एक सर्वर की हेल्प से, तो आप देख पाओगे यहाँ पे कम्प्लीटली आपको एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे बना बनाया दिख रहा है ये। इसी तरीके से अगर आपको समझ में नहीं भी आता है तो आप हाउ इट्स वर्क पे जाके और यहाँ पे चीजें समझ सकते हो। इसी के साथ आप स्प्रेडशीट का यूज कर सकते हो जिसके साथ गूगल शीट आप इंक्लूड कर सकते हैं, एक ऑटो रिप्ले के थ्रू यहाँ पे कॉन्टेक्ट वाई के हिसाब से यहाँ पे इजीली तरीके से मैसेजिंग हो जाते हैं। तो आई होप यहाँ पे चीजें आप समझ पा रहे होंगे। देन इसी के साथ ही जब भी हम मैसेजिंग करेंगे हमें पूरी स्टेटस पता चल रहा है, कितने लोगों ने मैसेज सेंड कर देखा है और हमने क्या मैसेज सेंड करा था और कितने लोग देख पाए हैं, कितने लोग नहीं देखा, ये पूरे स्टेटस हमें मिल जाते हैं। व्हाट्स ऑटो टूल्स की एक और खासियत बात मैं आपको बताना चाहूंगा, तो आप देख पाओगे सेंडिंग ऑप्शन में हम जैसे क्लिक करेंगे तो आप इजीली तरीके से डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो। यहाँ पे आप फोन नंबर्स आपको यहाँ पे लिखना होता है, देन मैसेज करना होता है। इसी के बाद आप जिस सेंड पे बटन क्लिक करोगे तो बिना कॉन्टेक्ट सेव करे हुए आप यहाँ पे इजीली तरीके से लोगों को अपने बारे में, अपने प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में एज ए वॉच टूल की हेल्प से यहाँ पे सेंडिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे कोई से भी कॉन्टेक्ट आप इजिली तरीके से बना सकते हो। तो ये पूरी प्रोसेस हमारे व्हाट्सएप बिजनेस के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाती है। देन इसी के साथ ही मैं एक और चीज आपको बता देता हूँ कि आपका अगर टूल्स हेल्प नहीं करता है तो आप नॉट वर्किंग पे जा सकते हो, हेल्प ले सकते हो। सेटिंग के ऑप्शन में भी आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी इनके टूल्स की, आप हेल्प ले सकते हो, जैसे ऑटोमेटिक ऑन, रिप्ले टाइम, रिप्ले हेडर एंड फुटर, ऐप सिक्योरिटी से लेकर डिस्प्ले और इनवाइट फ्रेंड्स, ये सभी टूल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। देन इसी के साथ ही अगर आपको अपग्रेड वर्जन लेना है तो यहाँ पे आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिल जाएगी, वन टाइम पेमेंट देना होता है तो ये आपके लिए हेल्पफुल होता है। फर्स्टली मैं ये कहना चाहूंगा, आप नए यूजर्स हो या नए बिगिनर्स हो तो आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आप यहाँ पे फ्रीली यूज करके देखिए, फिर देन आपको अगर अच्छा लगता है तो उसके प्लान्स आप ले सकते हो, जो फ्री एड रहेगा, क्लाउड बैकअप आपको देगा, बहुत सारे अलर्ट्स आपको यहाँ पे एज ए सर्विसेज प्रोवाइड कर देगा। तो आई होप कि आप व्हाट्स ऑटो के बारे में इजीली तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझ गए होंगे। आई होप कि आपको कम्प्लीटली टूल के बारे में समझ में आया होगा। आई होप कि आप जो इसे प्रैक्टिकली करके देखोगे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।